नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। आधी रात से ही रामनवमी को लेकर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, सीएम नीतीश ने भी दी बधाई। थम गया उपचुनाव का प्रचार का शोर, अब फैसला 12 अप्रैल को, जगमग होगा राजगीर और बोधगया। बिहार में गर्मी और उमस से अभी नहीं मिलेगी राहत, बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आधी रात से ही रामनवमी को लेकर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, सीएम नीतीश ने भी दी बधाई। बिहार में रामनवमी को लेकर श्रद्धालुओं का अलग ही जोश इस बार दिख रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की श्रद्धा नहीं दिख रही थी, लेकिन इस बार चूंकि मामले कम हैं, ऐसे में एक बार फिर से श्रद्धालुओं का हुजूम रात से ही दिख रहा है। आलम कुछ यूं देखने को मिला कि आधी रात से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की कतार लग गई। रामनवमी के मौके पर महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं को बड़ी भीड़ देखने को मिली। अनुमान के अनुसार इस बार मंदिर पहुंचने वालों ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रात से वीर कुंवर सिंह पार्क तक लोगों का हुजूम देखने को मिला। आज महावीर मंदिर में ऐसा पहली बार हुआ जब आसमान से फूल बरसाए गए। वहीं सीएम नीतीश ने भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी। 13 लाख किसानों ने रबी में किया आवेदन, फसल सहायता योजना के निबंधन का समय पूरा हो गया है, जो कि रबी किसानों के लिए शुरू किया गया था, जिसके बाद ही जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं उसके अनुसार अब तक 12,94,063 किसानों ने अपना निबंधन कराया है। मिली जानकारी के अनुसार अब फसल कटनी रिपोर्ट आने के बाद इन किसानों की पात्रता की जाँच होगी, उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सहकारिता विभाग ने इस साल रबी में अलग अलग फसलों के लिए निबंधन की अलग अलग तरीके और तारीख तय कर दिए हैं। अब निबंधन का समय समाप्त हो गया है, जल्द कटनी रिपोर्ट आने के बाद इनका चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में पिछले खरीफ के लिए 35 जिलों के किसानों ने योजना में अपनी रुचि दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ पिछले खरीफ के लिए सरकार ने 35 जिलों के लगभग 2500 पंचायतों का चयन किया है, जहां के किसानों के उत्पादन में कमी आई है। इन पंचायतों के किसानों को सहायता राशि का भुगतान भी तेजी से चल रहा है। थम गया उपचुनाव का प्रचार का शोर, अब फैसला 12 अप्रैल को। बिहार के बोचहा विधानसभा सीट के लिए जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। आज प्रचार प्रसार का शोर थमने के बाद अब 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं इस सीट को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी जोर आजमाइश की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए वोट मांगते देखे गए, जिसके तहत ही आज वो प्रचार प्रसार करने बोचहा पहुंचे थे। वहीं शनिवार को तेजस्वी यादव भी बोचहा पहुंचे थे। बोचहा उपचुनाव को लेकर भाजपा और राजद दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अब 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त के 48 घंटे के पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। वहीं मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों की बात करें तो इसमें राजद के अमर कुमार पासवान, वीआईपी की गीता कुमारी, भाजपा की बेबी कुमारी, कांग्रेस प्रत्याशी तरुण चौधरी और AIMIM की रिंकी देवी सहित अन्य शामिल होने वाले हैं। बिहार के सरकारी कर्मियों को मिला रामनवमी का तोहफा। बिहार के नीतीश सरकार ने आज रामनवमी के मौके पर अपने सभी सरकारी कर्मियों को रामनवमी का तोहफा दिया है, जिसके तहत ही राज्य के सभी सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का 34% कर दिया गया है। ये पहले 31% हुआ करता था। वित्त विभाग ने इससे संबंधित संकल्प शनिवार को ही जारी कर दिया। विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपए में पूर्णांकित कर दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। सबसे खास बात यही है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मियों की तरह 1 जनवरी 2022 से प्रभाव में मिलेगा। बिहार में 10 लाख टन गेहूं की होगी खरीद। बिहार में गेहूं के किसान इस बार खुशी से झूमने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने इन किसानों से लगभग 10 लाख टन गेहूं खरीदने का फैसला किया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में साल कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी, जो 31 मई तक जारी रहेगी। सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही बताया है कि केंद्र सरकार ने बिहार का ये कोटा तय करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित किया है। पिछले साल 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद हुई थी, तब राज्य में 7 लाख टन के विरुद्ध 4.55 लाख टन गेहूं की खरीदारी हुई थी। इस प्रकार पिछले साल की तुलना में किसानों को इस बार प्रति क्विंटल 40 रुपये अधिक गेहूं का मूल्य प्राप्त होगा। जगमग होगा राजगीर और बोधगया। पर्यटन के लिहाज से अपने नाम नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाला राजगीर और बोधगया जल्द ही जगमग रोशनी से रोशन होने वाला है, क्योंकि जल्द ही 2 बड़े शहर राजगीर और बोधगया के साथ ही पटना शहर के कुछ हिस्सों में हरित बिजली की आपूर्ति होने वाली है। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इन शहरों में परंपरागत ताप विद्युत संयंत्रों की जगह सौर उपकरणों से उत्पादित बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए बिजली कंपनी ने भारत सरकार के उपक्रम सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 25 सालों तक 480 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए
करार किया है। इसमें 150 मेगावाट सोलर बिजली जीआरटी ज्वेलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जबकि 330 मेगावाट सौर बिजली एसबीई रिन्यूअल 16 प्राइवेट लिमिटेड आपूर्ति करेगी। बिहार में गर्मी और उमस से अभी नहीं मिलेगी राहत। बिहार में गर्मी का कहर देखते बन रहा है। जिस हिसाब से 10 बजने के साथ ही गर्मी का सतम बढ़ने लगता है, उससे मौसम विभाग भी अलर्ट में है और लोगों को भी बार बार अलर्ट कर रहा है। इसी बीच अब मौसम वैज्ञानिकों ने फिलहाल बिहार वासियों को गर्मी से राहत मिलने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। अप्रैल महीने के अंत तक पारा और चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। राज्य का मौसम आजकल काफी गर्म हो गया है। खासकर राज्य का पश्चिम भाग के अधिकांश जिलों का तापमान फिलहाल 40 के पार रह रहा है। वहीं पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का प्रभाव देखा जा रहा है। पूर्वी भाग में पूर्वा चलने से ही गर्मी जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है और अभी लू का सितम भी बिहार में जारी रहने वाला है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कामयाबी का राज। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बतौर डीजीपी भी सुर्खियों में थे और वीआरएस लेने के बाद ही वो सुर्खियों में बने हुए रहते हैं। इन दिनों बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अध्यात्म की राह पर है, जिसके बाद ही जीवन को लेकर कई बयान दे चुके हैं। इसी बीच बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एक नया बयान सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि जो अपने भाग्य में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये एकदम झूठ है। प्रयास से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही वो ये भी जोड़ते हैं कि पुरुषार्थ करना है जरूर, छोड़ना नहीं है, कर्म करना है, लेकिन फल के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं होना है। फल तो आपके प्रबंध के अनुसार ही मिलेगा। आपको बता दें कि डीजीपी ने जो वीडियो साझा किया है वो वीडियो सारण जिले के सोनपुर में कथा के दौरान शूट किया गया था। बिहार में कोरोना के नए वेरियंट को लेकर अलर्ट। कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को राहत मिली ही थी कि अब चौथी लहर की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि WHO की तरफ से हाल ही में कोरोना के जिस XE वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया था उसके एक दो मामले देश के विभिन्न राज्यों में मिलने लगे हैं और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 5 राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया। इस बीच कोरोना के नए वेरियंट XE के मामले मिलने के बाद बिहार में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत ही राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और बाहर से आने वाले लोगों की जांच कराने का निर्देश दिया गया है। एंटीजन और RT-PCR जांच लोगों की कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिलों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। भाजपा बढ़ा सकती है शत्रुघ्न सिन्हा की मुश्किलें। हाल ही में TMC का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल में भी शत्रुघ्न सिन्हा को आड़े हाथों लेने की तैयारी में भाजपा जुट गई है। इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने कहा है कि आसनसोल में प्रचार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सांसद रामकृपाल यादव हर उस दास्तान को बता रहे हैं जो पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी है। रविशंकर प्रसाद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब क्षेत्र में बुरी तरह पराजित किया था। आसनसोल में भाजपा ने शत्रुघ्न से निपटने के लिए उन्हें लगा रखा है। रविशंकर के साथ रामकृपाल यादव दोनों वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा की खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में पेट्रोल डीजल की आसमान छू रही है कीमत। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि हर दिन के साथ बढ़ रही कीमत ने आम जनजीवन की जेब पर प्रहार किया है, जिसके कारण ही कई लोग गाड़ी छोड़ने तक का विचार कर रहे हैं। आज ही की बात करें तो पटना में पेट्रोल 116.58 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 101.39 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। शनिवार को पटना में पेट्रोल और डीजल क्रमशः 116.53 रुपए प्रति लीटर और 101.34 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई जिलों में मामूली वृद्धि भी हुई है, तो वहीं कई जिलों में राहत भी देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश की 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOC प्रतिदिन सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत रिवाइज करती है। सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाने पर जदयू के निशाने पर राजद। बीते कुछ दिनों से बिहार में सम्राट अशोक की जयंती मनाने की धूम लगी हुई है, जहां कुछ दिनों पहले भाजपा की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई, जिसके बाद खासतौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, तो बीते दिन जदयू ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई। हालांकि दोनों दलों ने अब तक अपनी तरफ से सम्राट अशोक की जयंती मनाई है, लेकिन राजद की तरफ से जयंती को लेकर कुछ भी नहीं किया गया, जिसके बाद ही अब राजद जदयू के निशाने पर है। सम्राट अशोक की जयंती के मुद्दे को लेकर अब जदयू ने राजद का घेराव किया है, जिसके तहत ही जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद के अशोक जयंती नहीं मनाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि क्या उनके मन में सम्राट अशोक के प्रति सम्मान नहीं है। राजग समेत सारे राजनीतिक दल इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, क्या आपके मन में सम्राट अशोक की विरासत के प्रति सम्मान नहीं है? बिहार की जनता की ताकत से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, किसी की कृपा से नहीं। बिहार में जदयू
को मिले जनादेश के बाद से ही कई लोग सीएम की कुर्सी को लेकर सवाल उठाते आए हैं, क्योंकि जदयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसके बाद सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार को ही बिठाया गया। इस मुद्दे पर चर्चा हर बार हुई है और इस बीच जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम नीतीश की कुर्सी को लेकर बड़ी बात कही, जिसके बाद ही उन्होंने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए कहा कि किसी की कृपा से नहीं बल्कि बिहार की जनता की ताकत से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जनता ने उन्हें बनाया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने समाज के सभी वर्ग के लिए काम किया है। नीतीश कुमार ने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, सरकारी नौकरी में 35% महिलाओं को मौका दिया है। उन्होंने अति पिछड़ा हो या महिला हो, सभी के लिए काम किया है। यही कारण है कि अभी भी अति पिछड़ा समाज का एक मुश्त वोट नीतीश कुमार का ही होता है, जो वहां इशारा कर रहा है कि ये समाज वही वोट करता है। बिहार में मिले कोरोना के 2 नए मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 15 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा में 1 और सीतामढ़ी में 1 मामले की पुष्टि हुई। इसके साथ ही किसी भी जिले में 1 भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 77,769 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। जोस बटलर ने किया ऑरेंज कैप पर कब्जा। राजस्थान के जोस बटलर ने ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है। आईपीएल के सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में राजस्थान के जोस बटलर है। बैंगलोर के खिलाफ खेली गई उनकी 70 रनों की नाबाद पारी, उनके रनों का आंकड़ा 200 के ऊपर पहुंच गया है। उनके खाते में 3 मैच के बाद 205 रन हो गए हैं। दूसरे नंबर पर नई टीम गुजरात के बल्लेबाज शुभमन गिल ने जगह बना ली है। पंजाब के खिलाफ उन्होंने 96 रनों की दमदार पारी खेली, अब उनके खाते में 3 मैच में 180 रन हो गए हैं। इस सूची में तीसरे नंबर पर मुंबई के बल्लेबाज ईशान किशन है, उन्होंने बैंगलोर के खिलाफ मैच में 26 रनों की पारी खेली। इस पारी के बाद उनके खाते में 4 मैच में 175 रन हो गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनाली सिन्हा, कुणाल कुमार, ध्रुव कुमार, रवि रंजन कुमार, शंकर मुखिया, प्रेम शंकर, नीतीश कुमार, पप्पू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कविता कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज रामनवमी के मौके पर क्या आपके आसपास के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।